दोस्तों मैं हूँ जीशान आरे, बोलो आप देख रहे हैं अपने और हमारे इस यूट्यूब चैनल जीशान मॉनिटर। जैसा कि आप जानते हैं कि हम आपके लिए नॉलेजफुल जानकारी, स्कॉलरशिप वीडियो, नॉलेजफुल जानकारी, गवर्नमेंट जॉब वगैरह सारी चीज़ की वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों मैं आपको वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जैसे मैंने आपके लिए पहले से ऑलरेडी कुछ वीडियो बना दिया है जिसके व्हाट्सएप पे किसी को ऑफलाइन मतलब ऑटोमेटिक किसी को रिप्लाई कैसे दे सकते हैं, वो भी सभी को अलग अलग रिप्लाई दे सकते हैं। बहुत सारे जैसे बिजनेस व्हाट्सएप में आप ऑटोमेटिक रिप्लाई देते हैं तो सबको एक ही रिप्लाई देना पड़ता है, लेकिन मैंने इस वीडियो में विस्तार से बताया किस तरह सबको आप अलग अलग रिप्लाई दे सकते हैं आपकी व्हाट्सएप आपके मतलब अनुपस्थिति में ये आपके मोबाइल को ऑटोमेटिक रिप्लाई देते रहेगा, सभी को अलग अलग रिप्लाई देता है। तो कैसे काम करता है इसके बारे में मैंने इस वीडियो में आपको बताया, इसको देख लीजिएगा। यहाँ मैंने आपको बताया पैन कार्ड सेंटर फ्री में कैसे ले, इसके बारे में मैंने आपको बताया। तो यहाँ बिहार डीएलएड कलेक्शन कैसे करें, और यहाँ पर मैंने बिहार विद्यार्थी इंट्री कैसे करें, यहाँ पर मैंने आपको कुशल युवा प्रोग्राम का रिजल्ट और सर्टिफिकेट कैसे डाउनलोड करें उसके बारे में मैंने वीडियो बना दिया था। तो चलिए समय न गवाते हुए वीडियो के मेन मुद्दे पाते। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ सीएससी आईडी कैसे लें, क्योंकि अभी सीएससी का जो आईडी का प्रोसेस था वो अभी बंद कर दिया गया। पहले जो आप सीएससी आईडी लेने के लिए register.csc.gov.in पर आते होंगे, उसके बाद यहाँ पर अप्लाई पर क्लिक करने के बाद न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करते होंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे सेलेक्ट टाइप करना है, जैसे सीएससी बेली अगर आप सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे लिखा जाता है रजिस्ट्रेशन क्लोज, ठीक है। तो इस स्थिति में आप कैसे आप ले सकते हैं मतलब सीएससी आईडी, इस वीडियो में हम आपको विस्तार से बात करेंगे। तो वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, आपने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इसी तरह की नॉलेजफुल जानकारी आपको सबसे पहले मिलती रहे। दोस्तों मैं यहाँ पर अपना सीएससी को लॉगिन कर लेता हूँ। ये सीएससी की ऑफिशियल पोर्टल है जहाँ से आप लॉगिन करके इसको यूज कर सकते हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं मैंने सीएससी को लॉगिन कर लिया है, ये मेरा सीएससी पोर्टल है, इसे मैं लॉगिन कर लिया। आपको तो आईडी लेना है उसी के बारे में इस वीडियो में बता रहा हूँ। वीडियो को शुरू से अंतिम तक और सही से ध्यान से देखेगा तभी आप मतलब अपना खुद का आईडी लेने का प्रोसेस जान पाइएगा। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं मैंने अपना सीएससी आईडी लॉगिन कर लिया, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी सीएससी का आईडी था। तो मैं आपको पूरी चीज विस्तार से बता रहा हूँ, ये सीएससी आईडी, यही सीएससी आईडी लेने का प्रक्रिया मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो चलिए यहाँ पे मैं आप तो सीएससी आईडी में लॉगिन कर चुका हूँ। वीडियो को पूरी देखिएगा तभी आप समझ पाइएगा, इसी में अपने सीएससी आईडी से ही आपको दिखा रहा हूँ किस तरह आईडी लिया जाता है। तो आप वीडियो को पूरी देखिएगा, लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। यहाँ पे देख लीजिए मैं आपको बता रहा हूँ सिर्फ, और मैं अंतिम में बताऊंगा प्रोसेस। तो अकाउंट में आएंगे, अकाउंट में आने के बाद यहाँ पे अकाउंट भी क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको मिल रहा है ऑपरेटर, ऑपरेटर्स पे क्लिक करेंगे। जैसे इस पर क्लिक करेंगे कुछ इस तक सेंटर पे आपको देखने को मिल जाएगा, और यहाँ पे एक ऑप्शन मिला ऐड ऑपरेटर, ऐड ऑपरेटर भी जैसे आप क्लिक करेंगे तो एक न्यू फॉर्म ओपन हो जाएगा, ठीक है। न्यू फॉर्म ऑपरेटर मतलब यहाँ पे आपको जिसका आईडी चाहिए उसका फुल नेम आपको देना, उसका ईमेल एड्रेस, उसका मोबाइल नंबर, उसका आधार नंबर, उसके बाद यहाँ पे उसका जेंडर सेलेक्ट करना है मेल फीमेल, उसका डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद यहाँ पर स्टेट देना होगा, स्टेट डिस्ट्रिक्ट देना होगा, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद आपको इसमें टिक मार्का लगा देना, टिक मार्का जैसे आप लगाएंगे तो उसके बाद यहाँ पे सबमिट बटन पे क्लिक कर देंगे। तो दोस्तों जैसे आप सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे तो 15 से 20 मिनट के अंदर अंदर आपका एक न्यू आईडी जो कैरियट हो जाएगा, न्यू आईडी आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये तो उनके लिए है जिसके पास सीएससी आईडी है। तो दोस्तों आप अपने शहर के कस्बे के में जाइए, अगर आपके नज़दीकी जो भी सीएससी सेंटर सीएससी वीएलई है उनसे आप संपर्क कीजिए, और उनके आईडी में आप ऑपरेटर अपना ऐड करवा लीजिए। जैसे वो जिनका
जो आपके नज़दीक में सीएससी बिल उनके पास जाएंगे तो वो उनको जाना होगा अकाउंट में। अकाउंट में जाने के बाद यहाँ पे ऑपरेटर्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जिसको सीएससी आईडी चाहिए आप अपने राज्य में किसी को दे सकते हैं। इस ऐड ऑपरेटर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक छोटा सा फॉर्म खोल जाएगा, नॉर्मल सा फॉर्म, इसमें ना कोई फोटो वगैरह डाउनलोड अपलोड करना होता है, ठीक है। लेकिन इस सीएससी के अंडर ये ऑपरेटर ऐड हो जाएगा। तो ये जो ऑपरेटर, ये जो वीएलई बन रहा है, ये जो ऑपरेटर ऐड हो रहा है, इसका अलग खुद का आईडी और खुद का पासवर्ड आ जाएगा, अलग इसका आईडी मिल जाएगा, ठीक है। ये फॉर्म फिलअप करने के बाद आपको सबमिट करने के बाद 15 से 20 मिनट में आपको आईडी आपके आपको मिल जाएगा, जिससे इससे मिलता होगा, मतलब कि इसमें जिस तरह मिलता है डिजी मेल में उसी तरह आपको ये आईडी भी मिलेगा। तो क्या करना, आपको अपने नज़दीकी सीएससी वीएलई के पास जाना है, उनके अंदर अपना नाम अपने ऑपरेटर को ऐड करवा लीजिए। जैसे आप ऐड करवा लेते हैं तो आपका आईडी वो ऐड कर देते हैं, ऐड करने के बाद आपको आईडी मिल जाएगा। यही एक अभी जो चल रहा है, मतलब आईडी लेने का प्रोसेस। और ये पता नहीं कि सीएससी खुद कैसे चालू करेगा, अभी अभी जो बंद किया हुआ है सीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट से, यहाँ से ये कब चालू करेगा इसका कोई लिमिट नहीं है, चालू करता भी है या नहीं भी करता है, ये ज़रूरी नहीं है कि चालू ये करेगा ही। इसलिए आप अपने नज़दीकी सीएससी वीएलई के पास जाए, उनके आईडी के अंदर आप ऑपरेटर ऐड हो जाए। जैसे आप ऑपरेटर ऐड हो जाएंगे, ये फॉर्म आपको फिलअप करवा लेना है, उसके बाद सबमिट कर लेना है। सबमिट करने के बाद आप 15 से 20 मिनट में, इसमें 2-3 दिन का समय नहीं लगेगा, 15 से 20 मिनट में आपको आईडी पासवर्ड मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन इसमें आपको जिस स्टेट का ये आईडी है उसी स्टेट में आप किसी भी जिला में दे सकते, क्योंकि यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना होता है, ठीक है। जैसे मेरा ये आईडी बिहार स्टेट के नाम पे है तो मैं बिहार के किसी भी जिले को वीएलई को यहाँ से ऐड कर सकता हूँ, ठीक। इसके लिए कोई पेमेंट हमारे वॉलेट से नहीं कटेगा, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करेंगे हमारा ये छोटा सा वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर दोस्तों अभी तक आपने अपने दोस्तों के साथ हमारा ये वीडियो शेयर नहीं किया है तो वीडियो शेयर कर दीजिएगा। और मैं आपसे एक और गुजारिश करता हूँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, ताकि इसी तरह की नॉलेजफुल जानकारी सबसे पहले आपके पास आपके फ़ोन पर मिलती रहे। तो चलिए फिर मिलते हैं ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियो के साथ, तब तक बने रहिए हमारे चैनल के साथ। दोस्तों वीडियो कैसा लगा उसके बारे में कमेंट तो करना आपका फर्ज बनता है। तो चलिए फिर मिलते हैं।